हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 6। हियर यू गो। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मैडम है आशा, उनकी डॉटर का नाम है निशा। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज द एट प्रेजेंट आशाज एज इन ईयर्स इज टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। यदि हम उनकी प्रेजेंट एजेस में निशा की एज को एक्स ईयर्स लेते हैं तो आशा मैडम की एज एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगी। मैं दोबारा बताता हूँ, आशा जी की एज इज टू ईयर्स मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर। तो लेट द निशा एज प्रेजेंट एज बी एक्स, देन द स्क्वायर ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू। ओके, इसमें एक लैंग्वेज है, वेन निशा grows to her mother's present age। जैसे कई क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं दोस्तों, after 10 years या after 3 years या 3 years later या 3 years ago या before 3 years। तो एक लैंग्वेज है कि जब निशा अपनी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी, मतलब जब ये x years वाली जो लड़की है आज की डेट में, जब ये इतनी हो जाएगी, इसको मैं न्यूमेरिकली समझाता हूँ, ये पार्ट आप लिख के नहीं आएंगे स्कूल में, समझा रहा हूँ। सपोज निशा की एज 15 साल है और आशा जी की एज 35 इयर्स है अभी प्रेजेंट एज। तो जब ये 35 साल की हो जाएगी, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर 20 इयर्स, इसका मतलब 20 इयर्स का गैप है। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज। तो व्हाट इज द डिफरेंस राइट नाउ? द डिफरेंस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहां मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, माइनस एक्स। तो ये आपका डिफरेंस है, गॉट इट? ये लिखा हुआ है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, तो आशाज एज वुड बी, मैडम की एज जो है वुड बी, मतलब सपोज हम 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो मैडम की एज है 35 साल और 20 साल बाद तो मैडम की एज हो जाएगी द मैडम की प्रेजेंट एज आफ्टर 20 ईयर्स, द डिफरेंस ऑफ द निशाज एज एंड हर मदर्स एज। इसका मतलब आशा जी की एज एक्स स्क्वायर प्लस टू है, उसमें हम ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स, देन हर एज वुड बी वन ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ निशा? एक्स उसका 10 टाइम्स माइनस वन। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स प्लस 10x, सॉरी इक्वल टू 10x माइनस 1। आराम से करना बिल्कुल दोस्तों, कुछ एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आसान है, खाली लैंग्वेज का ऑब्स्टेकल आपको यहाँ आएगा थोड़ा सा। प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 10x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक के मेथड से सॉल्व कर लेंगे, डी वाले मेथड सॉल्व कर लेंगे, तो आपका एक्स का आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 और हाफ। एक्स निकालने के बाद रिलैक्स नहीं होना, एक्स निकालने के बाद चेक करना है। अब निशा हाफ ईयर की नहीं हो सकती, बिकॉज यदि हाफ ईयर की होगी तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, तो 1/4 में जब 2 ऐड करेंगे तो वो 9/4 हो जाएगा। तो आई थिंक इतना कम तो नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे। तो निशा की प्रेजेंट एज आ गई, निशाज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स एंड हर मदर प्रेजेंट एज यानी आशा जी की जो प्रेजेंट एज है, आशाज प्रेजेंट एज इज 5 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 27 ईयर्स। मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ, देखिए ध्यान से बिल्कुल। निशा की प्रेजेंट एज क्या थी? 5। आशा जी की प्रेजेंट एज क्या है? 27। इनका डिफरेंस कितना है? 27 माइनस 5 दैट इज 22। ये 22 किस में ऐड होगा? 27 में। देखिए डिफरेंस ऐड हो रहा है इसमें, तो 22 ऐड हो गया 27 में, तो वो होना चाहिए 49। और गिवन कंडीशन थी 10 टाइम्स प्रेजेंट एज, 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ आशा निशा माइनस 1, तो वो भी कितना होता है? 49। इसका मतलब आंसर आपका बिल्कुल ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाले वीक में हम बहुत सारे वीडियोस डालेंगे,
आप जब भी वीडियो करें तो मैं चाहता हूं कि आप एक कमेंट में उसको डन कर दें, ताकि मालूम पड़ जाए कि आप लोगों ने करा है. और इसको पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. गॉड ब्लेस यू.